नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर मकराना से है, जहां शहर के मोहम्मद कैफ की कप्तानी में भारत की अंडर 16 आयु वर्ग की भारतीय फुटबॉल टीम ने एशिया चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बांग्लादेश को 2-0 से हरा कर जीता था। इसके बाद मकराना निवासी मोहम्मद कैफ के आज मंगलवार को मकराना पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों ने विशाल जुलूस निकालकर जगह जगह स्वागत किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 3 सितम्बर को भूटान में शुरू हुई, जिसमें एशिया के 6 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया, जिसमें भारत विजेता रहा। अंडर 16 आयु वर्ग में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान मकराना शहर के निवासी मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद सईद को बनाया गया था। कैफ के पिता मोहम्मद सईद और बबलू भाटी स्वयं भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। शुरू से ही कैफ को फुटबॉल का काफ़ी शौक रहा। अपने पिता के साथ प्रतिदिन मकराना के रफ़ी अहमद किदवई स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाता था। कैफ ने आज मंगलवार को मकराना आगमन पर मंगलाना चौराहे से जुलूस शुरू हुआ, जो वसुंधरा नगर, आनंद नगर, सुभाष नगर, बस स्टैंड, इमाम चौक, जयशिव चौक, रेलवे स्टेशन, 2 मस्जिद होते हुए उनके निवास स्थान पुलिया फाटक पहुंचा। इस दौरान जगह जगह जुलूस का लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैफ की कप्तानी में भारतीय टीम को विजय मिलने पर सिटी क्लब मकराना के संरक्षक व विधायक रूपाराम मुरावतिया, नागौर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष एवं मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, सिटी क्लब अध्यक्ष अब्दुल सलाम भाटी, सचिव मोहम्मद हनीफ गोड़, उपाध्यक्ष रामकरण किडोलिया, कोषाध्यक्ष अनवर अली, सिटी क्लब के पूर्व कप्तान मोहम्मद इकबाल रांदड़, जुनेल आबिद, बबलू गेसावत, कृष्णाराम मुरावतिया सहित शहरवासियों ने खुशी मनाई। मकराना से मतीन रांदड़ की विशेष रिपोर्ट।